जनपद बदायूं के दातागंज में आंवला लोकसभा प्रत्याशी सांसद धर्मेंद्र कश्यप का चुनाव प्रचार करने तथा पिछड़ा वर्ग सभा को संबोधित करने केशव प्रसाद मौर्य दातागंज पहुंचे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान जनता से कहा कि जो काम कांग्रेस पिछले 55 वर्ष में नहीं कर पाई वह कार्य मोदी सरकार ने 55 महीनों में कर दिखाया। वही कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए केशव मौर्य ने कहा कि 55 वर्ष में इन्होंने पाकिस्तान से समझौते के गरीबी हटाओ का नारा देते हुए गरीबों का शोषण किया तथा आतंकवाद को पनपाया, तो वहीं मोदी सरकार ने पुलवामा अटैक के ठीक 13 दिन बाद पाकिस्तान से बदला लिया तथा मोदी के 56 इंची का सीना बताते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों की सरकार है। वहीं गरीबों का पैसा बिना बिचौलियों के सीधे सीधे जनता के खाते में पहुँचता है। वहीं सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि कल मेरा नामांकन बरेली में, मैं समस्त जनता से करबद्ध अपील करता हूं कि सभी लोग मेरे नामांकन में जरूर आएं तथा भारी मतों से जीतने के लिए जनता से आशीष मांगा। तो वहीं दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह और बब्बू भैया भी नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उनके कार्य गिनाए। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य जो हेलीकॉप्टर से सीधे दातागंज उतरे तथा 24 आंवला लोकसभा प्रत्याशी सांसद धर्मेंद्र कश्यप को जिताने के लिए जनता से प्रार्थना की। साथ ही इस कार्यक्रम में पूरन लाल लोधी महेंद्र महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा उप प्रबंधक आकाश वर्मा चेयरमैन नगर पालिका परिषद दातागंज राजीव कुमार गुप्ता पूर्व चेयरमैन दातागंज धर्मेंद्र शाह के विधायक शेखुपुर पप्पू भारतौल विधायक बित्री चैनपुर श्याम बिहारी विधायक फरीदपुर दातागंज विधायक के बड़े भाई विनय कुमार सिंह वकील साहब राणा प्रताप सिंह तथा लोकसभा संयोजक अवनीश कुमार सिंह और पप्पू भैया पूर्व विधायक दातागंज आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन अनेक पाल सिंह ने किया तथा युवा नेता पिछड़ा वर्ग महासभा अंकित मौर्य ने शेरो शायरी के माध्यम से लोगों का दिल जीत लिया तथा उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही उसके बाद डिप्टी सीएम ने आगरा की तरफ अपना उड़न खटोला उड़ा दिया। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोलने की जिनका इस देश में 55 वर्षों तक शासन रहा, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज जो समस्या है उसके लिए उन्हें घोषणा पत्र लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मोदी जी जैसे व्यक्ति को 2014 में देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए देश की जनता को अपना आशीर्वाद नहीं देना पड़ता। या झूठ है, धोखा है, फरेब है और ये फरेब को जनता जानती है। जनता ने ठान लिया है कि मोदी जी की दूसरी पारी यूपी और देशवासी अपनी जिम्मेदारी मान करके कमर खिलाने के लिए बने। ऐसा है प्रियंका जी के पूर्वांचल का प्रभारी बनने के बाद अगर उनके भाई को अमेठी में छोड़ करके केरल भागना पड़ा उसका प्रभाव कितना इसका अंदाजा लगाइए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट, बदायूं। जनपद लखीमपुर खीरी के मैलानिस पुलिस का लगातार चल रहा अवैध कच्ची शराब के खिलाफ हंटर, जिसमें आज एक अभियुक्त हुआ 9 लीटर शराब समेत गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक खीरी के आदेश अनुपालन में अवैध शराब बिक्री एवं निष्कासन के विरुद्ध चलाए गए अभियान में थानाध्यक्ष मैलानिस सुनीत कुमार द्वारा गठित टीम चौकी इंचार्ज बाकीगंज SI दिनेश कुमार यादव हमराही फोर्स के अभियुक्त सुरजीत पुत्र भेरूलाल निवासी ग्राम गंगापुर करंट नंबर 10 थाना मैलानी जनपद खीरी को एक प्लास्टिक की पिपिया में करीब 9 लीटर कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आतिश त्रिवेदी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। लखनऊ में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर पश्चिमी महोदय के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बाजार खाला के नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम व क्षेत्र में लूट करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र गश्त के दौरान थाना प्रभारी ताल कटोरा लखनऊ में हमराही फोर्स द्वारा दिनांक 1 अप्रैल को समय करीब 5 बजे मुकदमा संख्या 85/19 धारा 308, 323, 342 भादावी थाना ताल कटोरा के वंचित अभियुक्तगढ़ अनेक राम मिश्रा उर्फ सत्यनारायण मिश्रा पुत्र लालता प्रसाद मिश्रा निवासी सुंदर नगर फरीदीपुर लखनऊ मूल पता ग्राम महेशुआ थाना अतरौली जिला हरदोई हाल पता E8583 राजाजीपुरम थाना ताल कटोरा लखनऊ में अभियुक्त श्रीमती रजनी पत्नी अनेक राम मिश्रा पुत्री और छोटेलाल निवासी पुराना चबूतरा सादतगंज जनपद लखनऊ में हाल पता E3583 राजाजीपुरम थाना ताल कटोरा लखनऊ को पाल तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। साथ ही अभियुक्तगढ़ उपरोक्त के दिनांक 29 मार्च 2019 को श्री राम गोपाल उम्र करीब 72 वर्ष निवासी 386/98 शहादतगंज लखनऊ को मारपीट कर बेहोशी की हालत कमरे में ताला बंद कर दोनों फरार हो गए थे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रोहित की रिपोर्ट, लखनऊ।
जनपद कन्नौज में भाजपा अनुसूचित मोर्चा की जनसभा में विधायक कैलाश राजपूत, रसूलाबाद की विधायक निर्मला शंखवार, अनुसूचित मोर्चा की जिला अध्यक्ष राजेश दिवाकर ने सपा बसपा कांग्रेस पर तीखा प्रहार करके सुब्रत पाठक की जीत का मूल मंत्र देकर हजारों की संख्या में जनसभा में भीड़ को उत्साहित। भारतीय जनता पार्टी कन्नौज लोकसभा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने बताया कि यह चुनाव भारत और पाकिस्तान का भविष्य तय करने का चुनाव है। साथ ही भाजपा की उपलब्धियां बताते हो, किसान सम्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान ने निधि पाक को सबक सिखाने का जिक्र करके उपस्थित जन समुदाय के भारत माता की जय पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने को मजबूर कर दिया। वही कहा कि आज तक किसी एक प्रधानमंत्री ने किसी वाल्मीकि के पैर धोए हैं, ऐसा इतिहास गवाह है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आप बताओ, मुर्दाबाद में भाजपा कितनी वोटों जीतेगी कि नहीं जीतेगी? मिडोना से माननीय विजय साठ जी विधायक है, पहले भी भाजपा जीती थी, अब बहुत भारी अंतर से माननीय अरविंद प्रसाद सिंह जी के आने से भारी अंतर से मिडोना चुनाव जीतेगी। कोई छोटा नहीं है, अरे दलित, अरे बेचारा दलित गरीब है तो इसलिए वो दलित है, इसलिए वो झूठ है। अरे मित्रों, यदि कोई गरीब आ जाएगा हम उसको झूठ मानेंगे, यदि हम उसको झूठ केवल इसलिए मानेंगे कोई वह गरीब है, लेकिन वह गरीब जिस दिन भी विधायक बनकर आएगा तो उसी घर में बैठ कर अपनी थाली में भोजन कराया जाएगा, वही गरीब। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर ये सुविधा ना भी हो जाए नरेंद्र मोदी जी, तो क्या हमारे समाज के तमाम मजदूर भाई लोग हैं वो गैस सिलेंडर ले पाते नहीं ले पाते? लेकिन उन्होंने जब सोचा हमारे इन भाइयों में कैसे मदद किया जाए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज। जनपद लखनऊ में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद लखनऊ के महोदय के निर्देश में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्र अधिकारी बीकेटी लखनऊ के कुशल परिवेक्षण में टीम का गठन कर मुकदमा संख्या 19/19 धारा 302 भादावी में घटना का नीर और अनावरण करने व मुलजिमात की त्वरित गिरफ्तारी करने हेतु निर्देश के अनुपालन में अभियुक्त मोहम्मद समीम पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी वार्ड नंबर 6 मोहल्ला कटरा कस्बा मोहना थाना इटौंजा जनपद लखनऊ व श्रीमती शबनम पत्नी कदीर खान उर्फ गुड्डू कालिया निवासी वार्ड नंबर 8 मोहल्ला शेख टोला कस्बा मोहना थाना इटौंजा जनपद लखनऊ द्वारा आसनाई के फेर में मृतक कदीर खान उर्फ गुड्डू कालिया को उनकी हत्या की साजिश का पर्दाफाश करते हुए उनके घरों के पास से दिनांक 2 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त को मोहम्मद शमीम से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल तथा रंजित चाकू की उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया। दिनांक 31 मार्च 2019 को वादी श्री मोहम्मद समीर खां पुत्र शगीर खां निवासी शेख टोला कस्बा मोहना थाना जनपद लखनऊ द्वारा अपने बड़े भाई की दिनांक 30 मार्च 2019 की रात कस्बे में अर्धनिर्मित मकान में विशाल निवासी अज्ञात द्वारा हत्या कर देने का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। साथ ही SHO महेश चंद्र द्वारा संपादित की जा रही उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन के अनुसार नामजद अभियुक्त विशाल को पकड़ने व घटना की सही व सटीक अनावरण करने हेतु थाना हाजा से टीम गठित कर गहन सुराग पता रखी व सर्विलांस सेल के सहयोग से हत्या की घटना की साजिश का अनावरण करते हेतु पाया गया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रोहित की रिपोर्ट, लखनऊ।